नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएल न्यूज। देश का सबसे खातर मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आई। चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार। युवा का अपहरण कर जनपद एटा में हुई हत्या। लूट चोरी की योजना बना रहे पशु चोर तथा नकाब जनगिरोह। 65 कीमती मोबाइलों को सर्विलांसल की मदद से किया गया बरामद। हरियाणा पुलिस ने किसानों और मजदूरों पर किया लाठीचार्ज। खोरी गांव में आज किसान मजदूरों के हक में पंचायत। खुद नियमों का उल्लंघन परंतु एक रिक्शा चालक का चालान आखिर क्यों। इटावा पुलिस ने दो महिलाओं को किया गिरफ्तार। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। गाजीपुर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान। अब खबरें विस्तार से। एसपी जालौन के कुशल निर्देशन में थाना गोहना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम पुरसेड़ा के युवक का अपहरण कर जनपद एटा में हुई हत्या में वांछित अन्य दो अभियुक्तों को 2 अदद तमंचा, 4 अदद जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार, जिस पर आवश्यक विविधिक कार्यवाही भी जारी। एक्चुअली दिनांक 14/6/21 को आशीष सेनगर नाम का एक लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष थी, कुरसेड़ा का रहने वाला था। वो फरीदाबाद जा रहा था अपनी जॉब पे और उसका अपहरण फिरोजाबाद में कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने 20,000 रुपए की फिरौती की मांग की, जिसको फोन पे के माध्यम से उसके परिवार वालों द्वारा पहुँचाया गया, उन तक भेजा गया। उसके बाद उन अपहरणकर्ताओं द्वारा आशीष की हत्या कर दी गई। आशीष की जो डेड बॉडी है वो हमें 17/6/21 को एटा में प्राप्त हुई और उसके बाद छानबीन की प्रक्रिया में हमें पता चला कि इस पूरे प्रकरण में 4 जो हैं मुलजिम हत्यारे जो हैं वो इन्वॉल्व थे। उनमें से 2 की गिरफ्तारी पहले कर ली गई थी और 2 अन्य की गिरफ्तारी अभी रिसेंटली अब्दुल्लापुर जो है उससे पहले एक शिव भैरव मंदिर है जो कि गोहन थाना क्षेत्र के अंदर आता है, वहां से इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। इनके साथ आशीष की बाइक हमें मिली और साथ ही इनके साथ हमें तमंचे, अवैध तमंचे भी मिले। इसकी जानकारी अभी की जा रही है, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि इससे पहले भी इनके कोई मुकदमे हैं कि नहीं। और 2 अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक का नाम है प्रदीप उर्फ भूरा और दूसरे का नाम संदीप यादव उर्फ करुआ है। ये दोनों एटा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इसके अलावा इन पे धारा 302-201 IPC के तहत पहले मुकदमा दर्ज कराया गया था। और क्योंकि अभी इनके साथ एक जो अपहरित व्यक्ति का मृतक की बाइक मिली है, तो इस वजह से जिसको इनके द्वारा लूटा गया था, तो इन पे और भी धाराएं लगाई गई 354-412 IPC। एटा में लूट व चोरी की योजना बना रहे पशु चोर तथा नकाबजन गिरोह की सरगना सहित 3 सातेर अंतर जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार। भारी मात्रा में चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण 9,500 रुपए, अवैध असलाह कारतूस बरामद। पूर्व में गैंग के 5 अन्य सदस्यों को भेजा गया था जेल। जनपद औरैया में खोए हुए विभिन्न कंपनियों के 65 कीमती मोबाइलों को कीमत करीब 7 लाख रुपए को सर्विस प्लान सेल औरैया के माध्यम से सकुशल बरामद किया गया, जिसे पुलिस अधीक्षक औरैया IPS अपर्णा गौतम द्वारा दिनांक 30 जून 2021 को कोतवाली औरैया में संबंधित मोबाइल धारकों को उनके फोन भी वितरित किए गए। पोस्ट है उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हमारे पास आती हैं जिनमें लोग बताते हैं कि उनका फोन कहीं खो गया है या गिर गया है। ऐसे ही फोन को बरामद करने का हमारे द्वारा प्रयास किया गया, हमारी सर्विलांस टीम है उसके द्वारा प्रयास किया गया है और ऐसे 65 व्यक्तियों के फोन बरामद करे गए हैं। 65 फोन बरामद किए गए हैं और इनकी अनुमानित कीमत जो है वो 7 लाख रुपए है। आज वो लोग जिनके फोन खो गए थे वो भी आए हुए हैं कोतवाली परिसर में और सभी लोगों को आज उनके फोन वितरित किए गए। 65 7 लाख। फरीदाबाद में खोरी गांव में मजदूरों के समर्थन में होने वाले किसान महापंचायत से पहले ही हरियाणा पुलिस ने किसानों और मजदूरों पर किया लाठीचार्ज, साथ ही पत्थरबाजी।
हैदराबाद के खोरी गांव में मजदूर एक्टिविटीज नवदीप कौर बहन और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रविंद्र को हरियाणा पुलिस ने लाठीचार्ज कर किया गिरफ्तार। रविंद्र को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। खोरी गांव में आज किसान मजदूरों के हक में पंचायत करने वाले थे। विकासनगढ़ से नवदीप कौर है और आज 30 तारीख को फरीदाबाद के पास जो खोरी गांव है वहां पर किसानों की तरफ से जो पंचायत की जाने वाली थी जिसमें जुड़ोली जी शामिल होने वाले थे, वहां पर भगत सिंह छात्रिक दमन जो दिल्ली में काम कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और साथ ही में जो मजदूर विकास संगठन जो कुंडली में काम कर रहे हैं वहां पर मौजूद थे और अभी अभी जो पुलिस के द्वारा वहां पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया है जिसमें जुरविंदर है जो भगत सिंह छात्रिकता मंच के प्रेसिडेंट है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और उनको बहुत बेरहमी से मारा गया है और उनके पूरे कपड़े फाड़ दिए गए हैं, उनकी पगड़ी उतार दी गई है और उनको पुलिस पकड़ के ले गई है। और साथ ही में जो राजवीर है जो मेरी बड़ी बहन भी है और भगत सिंह छात्रिकता में भी काम कर रही है उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया है और इतना बेरहमी से पीटा गया है, लाठीचार्ज वहाँ पे किया गया है और अभी उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो जितने भी न्याय पसंद मीडिया कर्मी हैं या जितने भी न्याय पसंद लोग हैं हम आप सभी से अपील करते हैं कि उन दोनों की रिहाई की मांग की जानी चाहिए और खोरी गांव के साथ खड़े होने की जरूरत है। तो जितना जल्दी हो सके उनकी रिहाई की मांग करनी चाहिए क्योंकि पुलिस ने उनको बहुत बेरहमी से पीटा है और पहले भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार से मामले ऐसे ही दबाए जाते हैं और इस बार भी इस मामले को ऐसे ही दबाए जाने की कोशिश की जाएगी। तो आप सभी से हम यही अपील करते हैं कि उनकी रिहाई की मांग की जाए और खोरी गांव के साथ खड़ा होने की जरूरत है। जय जनता जय संघर्ष जीत लड़ने वाले लोगों की होगी। कानपुर में कुछ नजारा थाना बेगमगंज अंतर्गत नई सड़क का है। पुलिस कर्मी खुद हेलमेट न लगाकर बाइक चला रहे, पीछे बैठा सिपाही अपने मोबाइल से चलते ई रिक्शे के फोटो खींच कर रहा चालान। ये कैसा है कानपुर पुलिस का इंसाफ। इटावा पुलिस द्वारा दो महिला चोरों को यात्रा के दौरान यात्रियों से चोरी किए हुए आभूषण नकदी आधार कार्ड पैन कार्ड सहित किया गिरफ्तार। एसएसपी इटावा ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देशन में थाना बकेवर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। थाना क्षेत्र हरवंश मोहाल बनारस होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने तथा की गई कार्यवाही के संबंध में पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने दी जानकारी। आज 21 जून को शाम 5 बजे थाना हरवंश मोहाल में एक होटल है बनारस होटल जिसके मालिक ने पुलिस को सूचना दी कि उसमें जो रुके हुए थे उनके दरवाजा खोलने पर खोल नहीं रहे हैं और जब उनकी डेड चाबी से खोली गई तो उनकी डेड बॉडी कमरे से बरामद हुई। कमरे में जब फॉरेंसिक टीम को बुलाकर और पुलिस मौके पर वहाँ पहुँची और जांच पड़ताल की गई तो उनके कुछ आईकार बरामद हुए जिससे ये पता चला कि उनका नाम अमित सिंह है जो सीतापुर रोड लखनऊ के रहने वाले हैं। इन्होंने कल 28 जून को 9:30 बजे होटल में चेकिंग किया था और आज एक दिन के लिए कमरा बुक किया था, आज इनका चेकआउट था। चेकआउट नहीं करने पर होटल मालिक द्वारा जब कमरा खोला गया तो डेड बॉडी मिली। इसमें तलाशी लेने पर कमरे पे हमें एक डब्बा मिला है जो कि कीटनाशक का डब्बा है और इनके चेहरे से भी झाग मुँह से भी झाग निकल रहा था। तो प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, उसके बावजूद भी मृत्यु के सही कारणों का पता लगाने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पुलिस की तरफ से जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। धन्यवाद। जनपद बलिया पुलिस द्वारा नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। मौके से 20 ड्रम में स्प्रिट शराब बनाने की सामग्री व उपकरण बरामद की, कीमत लगभग 50 लाख रुपए, कुल 4 नफर अभियुक्तों के साथ किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस बनारस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान के तहत थाना कासिमाबाद पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कासमाबाद ने पता रसी शराब रसी करके चेकिंग के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और ये मोटरसाइकिलें इसमें से 7 जनपद की हैं, बाकी 2 नई और 1 बलिया की है। ये लोग शादी विवाह में मोटरसाइकिलों को वॉच करते थे और वहाँ पे देखने के बाद जब आदमी अंदर पार्टी में बिजी हो जाता था तो वहाँ से मोटरसाइकिलें डुप्लीकेट चाबी के माध्यम से खोल करके और चुरा लेते थे। अभी इन मोटरसाइकिलों को इनको देखना था कि कमीशन डेवलप हुई और इनको उनसे मोटरसाइकिलें रिकवर की गई हैं और उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ये नए सभी अभियुक्त हैं और अभी फिलहाल
किसी और छानबीन की जा रही है कि कोई और साथी या कि कोई और क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं। ये कार्य अच्छा किया है काठियावाड़ पुलिस ने, जिससे वाहनों की चोरी पे रोकथाम लग सकेगी। गिरफ्तार के लिए पूरी 310,000 रुपए का इस प्रकार से खबरें समाप्त होती है। देखते रहिए बीपीएन न्यूज।